हेलो टॉरस, टॉरस यानी वृषभ राशि। मैं सुरेश गौट्र प्लस से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप इसे जोड़ सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और जब भी इस रीडिंग को देखेंगे 4 से 5 दिन के लिए वैलिड रहेगी। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे चाहते क्या हैं, आपके लिए क्या एक्शन लेंगे अगले 72 आवर्स में, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, टॉरस के पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो उनको जो वो हर्टेड हुए हैं, जो उनका दिल दुखा है, जो उनका मन दुखा है, जिस प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, तो अगर वो इसमें परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं, और इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति है जो ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, रिश्ता बन रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर से दूरियां बन रही है, फिर से रिश्ता बन रहा है, तो जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं किया जा रहा है, तो वो महसूस कर रहे हैं कि बजाय कि मतलब भले ही इस पर एक दूसरे पर अंधविश्वास ना किया जाए, लेकिन इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा सा विश्वास तो एक दूसरे पर करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी प्रॉब्लम इस रिश्ते में रही है ये रिश्ता आगे बढ़ जाए, और उस रिश्ते पर फोकस करना चाहिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है। यानी कि हो सकता है कि मेन रीज़न इस रिश्ते में पैसा रहा हो, क्योंकि हर जगह जो है पेंटिकल्स के कार्ड इसमें आए हैं। 10 of Pentacles, 5 of Pentacles एंड Ace of Pentacles। तो यहाँ कहीं ना कहीं हो सकता है कि पैतृक संपत्ति की वजह से, प्रॉपर्टी की वजह से, पैसे की वजह से भी इस रिश्ते में दूरियां आई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो वहां भी पैतृक संपत्ति मिलती उनको नज़र आ रही है। जो पैतृक संपत्ति नहीं मिल रही थी, या जॉब बिजनेस एडवेंचर में जो भी परेशानी दुविधाएं आ रही थी, वो भी यहां फ्रूटफुल होती नज़र आ रही, वो भी उनके फेवर में आती दिखाई दे रही, क्योंकि यूनिवर्सिटी और ये रिश्ता स्टेबल होता नज़र आ रहा है, कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। यूनिवर्सिटी बताना चाहते हैं कि भाग्य उनके साथ है, लक उनके साथ है, नई अपॉर्चुनिटीज, नए आइडियाज़, नई चीज़ें उनको इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए मदद कर रही हैं, तो जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे और फिर से रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाबी की तरफ होगा। अगर पैसे को लेकर प्रॉब्लम रही है तो वो भी इश्यूज़ यहाँ ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। किसी किसी को इसमें पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, किसी को जॉब मिल सकती है, कहीं ना कहीं से पैसा मिल सकता है, कुछ ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे जो भी प्रॉब्लम थी उनकी ख़त्म हो सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। तो टॉरस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई भी जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्डम नॉलेज गेन करनी चाहिए, यूनिवर्स में आस्था लगाना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, उन पर यकीन करना चाहिए कि जो भी करेंगे वो सही करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। हालांकि इसमें उन चीज़ों को भी दोहराने की कोशिश की जा रही है जो इसकी वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, यानी कि उन्हें उस पास्ट की हिस्ट्री को, पास्ट के दिनों को, उन क्षणों को, उन पलों को, उन मेमोरीज को याद किया
वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को याद किया जाए और उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्ता पनौती की तरफ जा रहा है। रिश्ते में दरार आई हुई है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो वो चाहते हैं जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, जो ओवर कंट्रोल है, इसमें ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस है, उन चीज़ों को, उन एडिक्शन को, उन लस्ट को, उन कंट्रोल को ख़त्म किया जाए, या जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है उसको ख़त्म किया जाए। क्योंकि अभी इस रिश्ते में चारों तरफ नेगेटिविटी नेगेटिविटी एंड नेगेटिविटी दिखाई दे रही है, तो वो अभी कंफ्यूज्ड हैं। हालांकि वो चाहते थे कि इस रिश्ते में एक बिगनिंग हो, एक शुरुआत हो, पुराने दिनों को याद किया जाए, उन मेमोरीज को, उन क्षणों को, उन पलों को जो इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म किया जाए जो इस चीज़ में नेगेटिविटी दे रहे हैं, और चुप्पी और खामोशी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अभी इस रिश्ते सिचुएशन सही नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशानी और दुविधाएं इस रिश्ते में चल रही हैं, तो जल्दबाजी में आकर कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो दोबारा से इस रिश्ते में प्रॉब्लम दे दे। तो अभी वो यही चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों पर फोकस करें जो इस रिश्ते में दिक्कतें दे रहे हैं, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा, तभी जो है रीयूनियन के बारे में सोचिएगा। अभी काफ़ी प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, क्लैरिटी नहीं आएगी, नेगेटिविटी ख़त्म नहीं होगी, तो तब तक यूनिवर्स भी इसमें कुछ नहीं, आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। वो भी तभी मदद करेंगे जब आप अपनी मदद खुद करेंगे। तो देख लेते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेना चाहते हैं। तो इसमें अपने टॉरस आपके पर्सन अपनी तरफ से इसमें कोई एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो इसमें एक क्योंकि काफ़ी परेशानी इस रिश्ते में रही है, काफ़ी हो सकता है कि कोई ऐसा राज, कोई ऐसी मिस्ट्री, कोई ऐसी चीज़ सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी, तो उसी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी दुख तकलीफ हुआ है, और वो इस रिश्ते से लेट गो करते हुए ऐसी जगह पर जाना चाहते हैं जहाँ पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और उनकी भावनाओं को कोई समझ सके, तो वो या फिर नए रिश्ते की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, क्योंकि इस रिश्ते में उन्हें सिर्फ बाधाओं के सिवाय कोई कुछ नहीं मिल रहा है। इसमें लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जो इस रिश्ते में इन्वॉल्व है, या फिर कोई ऐसी बात है, जो कोई ऐसा सच है जो इस रिश्ते में परेशानी दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। तो उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि अभी एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, चाहे दुख सामने वाले को हो या उनको दुख हो, रिश्ता बने या ना बने, लेकिन क्लियरिटी आनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन आना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और अपने रास्ते एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए। उनकी दिली तमन्ना है, उनकी विश फुलफिलमेंट है कि उन्हें इस रिश्ते में वापस ना आते हुए नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए प्यार की तरफ रुझान करना चाहिए, या फिर उन्हें जब तक इसमें पूर्ण रूप से क्लैरिटी नहीं आ जाती, क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो जाता, दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ नहीं जाते, तब तक इसमें कोई बिगनिंग, कोई शुरुआत नहीं होनी चाहिए। पहले क्लियरिटी लाइए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जो चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, एक दूसरे को परेशान करना, उन चीज़ों से जब आप बाहर निकलेंगे तभी आप इस रिश्ते के बारे में सोचिएगा। अभी वो यही चाहते हैं यूनिवर्स जी, वो इसमें यही एक्शन लेना चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी एंजाइटी है, काफ़ी स्ट्रेस है, तो अभी उन्हें इसमें कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो देख लेते हैं
यूनिवर्स की क्या ब्लेसिंग्स है, यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, टॉरस पर्सन के लिए क्या मैसेज या क्या गाइडेंस है। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि पहले अपनी लाइफ में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो अप एंड डाउन रिश्ते जा रहे हैं, जो प्रॉब्लम इस रिश्ते में है, जो गुस्सा है, जो एंगर है, जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसमें बैलेंस लाइए। और जो अननोन फियर है या फिर इसमें कोई पनौती बाधाएँ दिक्कत है, जो कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कोई ऐसी बात जो जो इस रिश्ते को आगे बढ़ने से रोक रही है, तो उस नेगेटिविटी को, उस पनौती को, उस दिक्कत को, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और इस रिश्ते में, सिचुएशन में बैलेंस लाइए, स्टेबिलिटी लाइए। पर्सनली जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस है उसको छोड़ दीजिए, गुस्से एंगर को छोड़िए, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी इस रिश्ते में खुशियाँ आएंगी, रीयूनियन होगा और चीज़ें कामयाबी की तरफ बढ़ेंगी। लेकिन अभी इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी, स्ट्रेस है, एक दूसरे की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व हो सकता है जो उनकी उनको दुखी देखकर खुशी मना रहा है। तो अभी यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि पहले नेगेटिविटी से बाहर आइए, अपने इमोशंस को काबू में कीजिए, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करना सीखिए, गुस्से को, एंगर को छोड़ दीजिए, तभी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है और वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।